Hi everyone, welcome to Unacademy NEET. Hi guys, am I visible into this amazing session? Hi everyone, welcome to Unacademy NEET. How is my squad going? कैसा चल रहा है बेटा? एक बारी मैं अभी आपको देख लूँ कि यार दिख रही हूँ मैं कि नहीं दिख रही, सब सुन रहा है या फिर नहीं सुन रहा है. ओके, यस, परफेक्ट परफेक्ट. हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू सेशन ऑफ नीट लाइव डेली 3.0. यस, आज बच्चे हम लोग, हमारी टीम, पूरी अनअकैडमी की टीम अपने ही कॉन्टेंट को बीट करने वाली है. पिछले साल जो आपने पढ़ा है, जो पिछले आपके सीनियर्स ने पढ़ा है, उससे और बेहतर तरीके से और बेटर अंडरस्टैंडिंग से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फुल एनर्जी द सीरीज फॉर क्लास 12th. जिन्होंने अगले साल नीट देना है, दैट इज नीट 2022 देना है आपने. और आप सबसे अब हम रूबरू होंगे एवरी डे, मंडे टू सैटरडे, इन आवर सीरीज विच इज नीट लाइव डेली 3.0. ये सीरीज किन के लिए है? ये सीरीज उनके लिए है जिन्होंने अगले साल नीट देना है. इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? कंप्लीट क्लास 12th फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी आर गोइंग टू ऑल्सो डिस्कस क्लास 11th. पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ के लिए बच्चे ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बहुत सारे तुम्हारे डाउट हैं, सारे डाउट्स को कवर करेंगे. तो This is my time. This is a zoology time, जिसमें हम 6:30 every day मिलेंगे and we will talk about animals, animals, animals. तो ये पीछे आप क्या दिख रहे हैं? सबसे फेवरेट एनिमल है ना, सबसे फेवरेट शक्तिशाली डरावना एनिमल. तो बच्चों, zoology is a study of animals, as you know. And class 12th की बात करें, then the first chapter that we have is reproduction in organisms. अब reproduction in organisms में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट की भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल की भी हैं. तो मैम आज आपको एनिमल से रिलेटेड चीज़ें कवर कराएंगी. जब कोमल मैम की क्लास होगी 8:30 पर, शी इज गोइंग टू कवर द प्लांट पोर्शन. तो ऐसा नहीं सोचना कि और मैम आपने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया. मैम कुछ नहीं छोड़ेंगी. ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू एनिमल्स वुड बी कंप्लीटेड इन आवर टूडेज सेशन. एक्साइटेड? हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं. हाइब्रिडाइजेशन किसकी करेंगे वो आज आपको सेशन में पता चल जाएगा. कुछ कुछ आपको ऐसे इमेजेस दिखेंगे और कुछ कुछ मैम अपने हाथों का भी जादू चलाएंगी. तो जब ऐसे इमेजेस, वीडियोस और हाथों का जादू इकट्ठा चलता है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. एंड हाइब्रिड सेशन हमारे इस 3.0 का एक USP है जो आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा. या तो कंप्लीट हाथ से लिखते हैं या फिर बिल्कुल ही टाइप्ड फॉर्म में. मजा नहीं आता ना. मजा तो असली तब आता है जब पेन पेंसिल उठाई जाए, है ना. साथ ही में आप लाइव वीडियोस देख पाएं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है. सो दिस इज दैट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू इनकलकेट दिस टाइम इन आवर सेशंस. रेडी गाइज? हाँ जी, चलिए. सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे. जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, माई नेम इज सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अनअकैडमी नीट. एवरी डे बच्चे आप मेरा सेशन देखेंगे. टाइमिंग्स अपने सेम रहेंगे, 2:30 ऑन मंथन एंड 6:30 ऑन नीट लाइव डेली 3.0. सो आज बच्चे इन एनिमल्स की बेसिक रिप्रोडक्शन के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट व्हाट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर. एंड देन बच्चों वो रिप्रोडक्शन के टाइप्स किस किस ऑर्गेनिज्म में कैसा है. अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे, सेक्सुअल की बात करें तो कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे. बोथ द थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर इन माय टुडेज सेशन. सो वेलकम अगेन एवरीवन टू नीट लाइव डेली 3.0 सीरीज. ठीक है, सो ये अपना आज का टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का एनिमल रिलेटेड पोर्शन. प्लांट रिलेटेड वुड बी कवर्ड इन द बॉटनी क्लास. राइट बेटा? ठीक है. हाँ जी, सो दिस इज मी एंड आवर अमेजिंग टीम. अब तक आप लोग शायद पहचान चुके होंगे. नहीं पहचाने तो बच्चे मैं हूँ सीप पाहुजा एंड आप मुझे एवरी डे इसी टाइम पर मिल सकते हैं 3.0 सीरीज में. तो सबसे पहले बच्चे स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता क्या है? हाँ जी, रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है? नाउ यू नो दैट इन आवर वर्ल्ड देयर इज वेरी लार्ज बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन ऑल द स्पीशीज. आप किसी भी स्पीशी में अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं कि अमेजिंग डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो. बच्चे
हजारों लाखों तरीके के एनिमल्स हैं, हजारों लाखों तरीके के प्लांट्स हैं। और अगर एक ही स्पीशी की बात करें यार, एक कॉकरोच तो नहीं है पूरे वर्ल्ड में, मल्टीपल बहुत सारे कॉकरोचेस हैं, एक ह्यूमन तो नहीं है, मिलियंस में हम लोग घूम रहे हैं। दैट मीन्स एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर देयर। मैं दो चीजें लिखूंगी, वन अबाउट डिफरेंट टाइप्स कि बहुत अलग अलग टाइप के प्राणी हैं, है ना, बहुत अलग अलग टाइप के प्राणी हैं, बहुत एनिमल्स हैं, बहुत प्लांट्स हैं, इनफैक्ट लोअर ऑर्गेनिज्म भी बहुत है। और अगर एक सिंगल स्पीशी की बात करें तो उस स्पीशी में भी आपको बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएगा कि अगर ह्यूमन एक स्पीशी है तो देर आर मैनी ह्यूमंस, है ना। अगर हनी बी एक स्पीशीज है, देर आर मैनी हनी बीज, राइट। ये पॉसिबल कैसे हुआ, इतनी सारी डाइवर्सिटी, बच्चों बताओ इतनी सारी डाइवर्सिटी एक जगह पर कैसे पॉसिबल है। देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, कुछ तो होना चाहिए यार जो एक से दस बना रहा है, दस से सौ बना रहा है, सौ से दो सौ बना रहा है। देयर शुड बी समथिंग, देयर इज अ लाइफ प्रोसेस। दैट लाइफ प्रोसेस माई डियर चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो आज ह्यूमन की पॉपुलेशन कैसे मेंटेन्ड है, हाउ इज दिस एक्चुअली मेंटेन्ड, दिस इज मेंटेन्ड, ये जो पॉपुलेशन है ना हमारी, दिस इज मेंटेन्ड ड्यू टू अ लाइफ प्रोसेस विच इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज, जिसको आप बोलते हो रिप्रोडक्शन। क्लास इलेवेंथ सबने करी है, क्लास इलेवेंथ सबने करी है। क्लास इलेवेंथ में आपने क्या देखा था कि यार बड़े सारे तरीके के लाइफ प्रोसेस थे, डाइजेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें चल रही हैं अंदर, लेकिन एक लाइफ प्रोसेस वहां छूट गया था। That is beta reproduction, which is a property of living organism. So in order to maintain the population of a single species, or in order to maintain the diversity, huge diversity on this planet Earth, reproduction is essential. तो अब reproduction होता क्या है? Reproduction, production word समझते हो? Just बेटा इतना सा word देखो. Yes, look at this word. That is production. Production का मतलब होता है कुछ बनाना, है ना? कुछ ना कुछ बनाना. अब आगे आ गया री, री का मतलब होता है दोबारा से। तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया, अगर एक स्पीशी दोबारा से अपने सेम तरीके का स्पीशी बनाएगा, दैट इज गोइंग टू बी रिप्रोडक्शन। जिस जिसको ये चीज समझ आई प्लीज गिव मी थम्स अप। आपने रिप्रोडक्शन क्लास टेंथ से पढ़ते आ रहे, इनफैक्ट एट्थ में भी चैप्टर था, लेकिन आपने कभी उस वर्ड के बारे में सोचा है? मैम का रूल है, सीप मैम का क्या रूल चलता है, दैट स्प्लिट द वर्ड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। नाउ स्प्लिटिंग द वर्ड, मैंने स्प्लिट करके देखा, एक आ रहा है री, री माने दोबारा, एक आ रहा है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब कुछ बन रहा है। अगर एक स्पीशी फिर से अपने ही सेम तरीके के ऑर्गेनिज्म बनाएगा, उसे आप बोलोगे रिप्रोडक्शन। यस बेटा, सो इट इज एक्चुअली द कैपेसिटी of an organism to perpetuate its own kind. लिख दूं मैं यहां पर, yes, hybridization कर दें, चलो let us start with hybridization. So it is the capacity of an organism to produce its own kind. अगर मान लो dog reproduce करके स्मॉलर डॉग्स बनाए, पपीज बनाए, दैट इज रिप्रोडक्शन, दोबारा से प्रोडक्शन हुई डॉग की। अगर ह्यूमन रिप्रोड्यूस करके बेबी ह्यूमंस बनाए, दैट इज गोइंग टू बी रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में बेटा हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस रिप्रोडक्शन। मीनिंग क्लियर, मीनिंग एवरीवन क्लियर? सब चीजें बहुत इनिशियल से स्टार्ट करके आपको पूरे एडवांस लेवल तक, क्वेश्चंस तक मैं यहां पर लेके जाऊंगी, राइट बच्चों? ठीक है प्रतीक गुप्ता, बेटा इस टॉपिक में ना एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, तो एनिमल्स हम अभी कर लेंगे, प्लांट में हम आपको करा देंगे। चैप्टर का नाम तो यही रहेगा ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना, पढ़ोगे तो दोनों चीजें, राइट बेटा? सो ये होती है रिप्रोडक्शन एंड इट इज एसेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। मान लो एक बंदा एक स्पीशी रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे, तो अल्टीमेटली हर पर्सन का एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एक लाइफ स्पैन है, उस लाइफ स्पैन के बाद उसकी नेचुरल डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो, नेचुरल डेथ के बाद बचे वो पर्सन विल डाई। अगर उसने रिप्रोड्यूस नहीं किया था, अगर वो स्पीशी रिप्रोड्यूस नहीं करता, इट इज गोइंग टू लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ दैट स्पीशीज। तो रिप्रोडक्शन बेटा इज हाईली एसेंशियल किसके लिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशी ऑन दिस अर्थ।
अपनी रेस को एग्जिस्ट करते रहने के लिए कि हमारी तरह के लोग रहें इस अर्थ पे, क्योंकि हमारा तो एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है, उसके बाद वी ऑल आर गोइंग टू डाई. दिस इज द हार्श रियलिटी, मानना पड़ेगा यार. इमॉर्टल तो है नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो इमॉर्टल है, लेकिन हम तो इमॉर्टल है नहीं. तो यार हमारे बाद कौन? हमारे बाद हमारी अगली जनरेशन. सो फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीशी, रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट एसेंशियल प्रॉपर्टी. हाँ जी, बिल्कुल ठीक दिलीप, दैट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशी. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. अब मैंने बोला कॉन्टिन्यूटी क्यों जरूरी है, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म हैज गॉट लिमिटेड लाइफ स्पैन. ये लाइफ स्पैन क्या होता है भाई? लाइफ स्पैन दैट इज द पीरियड फ्रॉम द बर्थ, जन्म से लेकर till the natural death of an organism. This is called as lifespan. ध्यान रखना, अगला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, कॉन्टिन्यूटी क्यों, हम क्यों नहीं हमेशा जिंदा रह सकते, क्योंकि भाई हमारा एक ना लिमिटेड लाइफ स्पैन है. सो वॉट इज लाइफ स्पैन? इट इज एक्चुअली द पीरियड फ्रॉम द बर्थ, जिस दिन आपने जन्म लिया, टिल द पीरियड ऑफ योर नेचुरल डेथ is called as a lifespan. अब क्या सारे species का lifespan एक है? मैं, आप, हम तो humans हैं, लेकिन flies, cockroach, earthworm, sponges, fishes, amphibians, birds, क्या सबका lifespan एक जैसा है? No. The lifespan is actually dependent upon different species. हर species का lifespan क्या होता है? अलग होता है. तो लाइफ स्पैन बच्चे किसकी प्रॉपर्टी है? इट इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पीशी. दैट मींस जो बेसिक लाइफ स्पैन ह्यूमन का इंडिया में होगा, वही बेसिक लाइफ स्पैन ह्यूमन का कहां पर होगा? लाइफ स्पैन नॉट एक्सपेक्टेंसी, कहां होगा? किसी और कंट्री में होगा. सो इट इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल द नेचुरल डेथ. एंड हमारा तो बेटा लिमिटेड लाइफ स्पैन है, लेकिन जो लोग सिंगल सेलुलर हैं, इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स हैं वो, दैट मीन्स दे नेवर डाई. इसका रीजन अभी हम करेंगे. अमीबा बेटा, अमीबा सिंगल सेल्ड, भाई की डेथ ही नहीं होती. वो क्या करता है? डिवाइड करेगा, अपने जैसे दो बना देगा. फिर जो डॉटर सेल बने वो और डिवाइड करेंगे, अपने जैसे चार बना देंगे. तो उनको यू कैन कॉल देम एज इमॉर्टल. बट अगर हमारी बात करें हु आर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे हैव गॉट अ लिमिटेड लाइफ स्पैन. कुछ लाइफ स्पैन बेटा आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, जो आपको बेटा याद रखने पड़ेंगे. जैसे अगर बात करें फ्लाइज का, दैट इज वन डे. बटरफ्लाई कुछ हफ्ते, है ना, एक से दो, दो से तीन हफ्ते, राइट. क्रो का 15 साल, क्रोकोडाइल बच्चे 60 ईयर्स, मैन बच्चे 100 ईयर्स. बट मैं इसको जापान में, देर वॉज ए लेडी जिसका लाइफ स्पैन डिटेक्ट किया गया, दैट इज 121 ईयर्स ऑल्सो. अब ये जरूरी नहीं है सबका सेम होगा, है ना बच्चे? हाँ बिल्कुल ठीक भागवती, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दे ऑल आर इमॉर्टल. ठीक है, ठीक है, राइट. अब ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमंस का लाइफ स्पैन, आप बोलोगे कि नहीं मैम हमारे यहाँ तो समवन डाइड एट द एज ऑफ 60, यू आर सेइंग हियर 100 ईयर्स. आई एम सेइंग कि जितना मैक्सिमम रिकॉर्डेड है, अब तक ह्यूमन का मैक्सिमम कितना रिकॉर्डेड है? 121. तो वो उसका हो जाएगा लाइफ स्पैन. अब तक फ्लाइज का कितना रिकॉर्डेड है? 1 डे. ठीक है, अब तक पैरट का कितना रिकॉर्डेड है? 150 ईयर्स. तो वो उसका हो जाएगा लाइफ स्पैन. इट इज नॉट समथिंग कि आप बोलोगे कि यार मैम शी डाइड एट 60, शी डाइड एट 72. नो, मैक्सिमम जितना रिकॉर्ड होता है ना उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन. एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशीज, सो इट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पीशी, नॉट अ पॉपुलेशन. ठीक है, अब आ जाइए इधर देखो बंद. दो मैंने स्पीशी बनाया है यहां पर, वन इज योर पैरट, ठीक है, अदर वन इज बच्चो एलिफेंट. यू नो अभी कुछ टाइम पहले आई वेंट टू अ जंगल सफारी एंड देयर आई सॉ टाइगर एज वेल एंड देयर आई सॉ एलिफेंट एज वेल. तो जो हमारा गाइड था ना, ही वॉज सेइंग टाइगर्स दे आर लाइक ओपनली मूविंग एंड नो वन इज स्केर्ड ऑफ देम ओवर देयर. वाई? बट पीपल आर स्केर्ड ऑफ दिस वन एलिफेंट. वो कहते हैं कि मैम टाइगर थोड़ा सा ना शांत है, वो कुछ नहीं कहेगा, वो सामने से निकल जाएगा. डरना आपको किससे पड़ेगा? डरना पड़ता है इससे, दैट इज एलिफेंट. एलिफेंट इज काइंड ऑफ कि कभी भी आप पे अटैक कर सकता है. तो भाई इसको लाइटली मत लेना, ठीक है, लाइटली मत लेना. ये कभी भी कैसे भी आप पर अटैक कर सकता है. इट इज इवन मोर डेंजरस देन टाइगर, राइट. तो आपने देखा कि पैरट का लाइफ स्पैन कितना है? अराउंड 140 टू 150 ईयर्स. ठीक है, मैं यहां पर एवरेज 140 लिख रही हूं. एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना है? 90 ईयर्स.
ठीक है, मैक्सिमम 90 इयर्स। अब आप देखिए, पैरट बेचारा इतना सा, एलिफेंट इतना ह्यूज क्रिएचर, इतना बड़ा, क्या समझ आया? ऐसा नहीं बोल सकते कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उतना ज्यादा उसका लाइफ स्पैन। सो यहां से हमें एक पॉइंट क्लियर होता है, चलो हाइब्रिडाइजेशन वाला काम करें, यहां से बेटा हमें एक पॉइंट क्लियर होता है दैट लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिलेटेड टू इट्स साइज। आप साइज पे देख के नहीं बता सकते कि यार जितना बड़ा उतना ज्यादा लाइफ स्पैन, नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यस बेटा, ये बात क्लियर हुई। राइट, चलिए अब एक वर्ड है लाइफ स्पैन के अलावा, मैं एक और वर्ड लिख रही हूं, इसका मतलब बताना, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, एक था लाइफ स्पैन, दैट वॉज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल द नेचुरल डेथ। एक है बच्चों लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना उम्मीद है कि ये लोग कितना जी जाएंगे, वो डिपेंड करेगा आपके सराउंडिंग कंडीशंस पे, है ना, वो डिपेंड करेगा आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अच्छा मेडिकल केयर अफोर्ड कर सकते हो तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना, मैक्सिमम तो 121 जाओगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छा मेडिकल केयर है, अच्छी बैलेंस डाइट है, अच्छा एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो आप ज़्यादा उम्मीद कर सकते हो, है ना, एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज एक्सपेक्टेंसी। लेकिन इफ अ फैमिली इज नॉट हैविंग प्रॉपर मेडिकल केयर, प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, नॉट हैविंग अ प्रॉपर पॉजिटिव एनवायरनमेंट, तो यार वो कम एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं? येस और नो गाइस, येस और नो। तो जो लाइफ स्पैन है, वो तो हर स्पीशी का हमने लिख लिया, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक स्पीशी की डिफरेंट डिफरेंट जगह में अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज लाइक जापान, आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज लाइक यूएस, दे आर डेवलप्ड। वहां पर जो ह्यूमंस रहते हैं, दे वुड ऑल ऑब्वियसली एक्सपेक्ट बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी क्योंकि वहां पर कंडीशन अच्छी है, मेडिकल केयर अच्छी है, वहां पोल्यूशन नहीं है, वहां एडल्ट्रेशन नहीं है फ्रूट में। लेकिन अगर यही इंडिया की बात करो बच्चों, इंडिया में यही ह्यूमन की एक्सपेक्टेंसी क्या है? कम है। यस, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पीशी, हर स्पीशी के लिए अलग अलग हो सकता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉपुलेशन। कि कनाडा की पॉपुलेशन के ह्यूमंस का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर है इंडिया के पॉपुलेशन की ह्यूमंस का। ये बात बच्चों समझ आई दैट इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉपुलेशन, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पीशी। यस गाइस, कुंदन कुमार, हाँ जी बताइए, क्लियर एवरीवन? बिल्कुल ठीक। चलिए सब बच्चे आ जाइए, लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रॉपर्टी आपका स्पीशी का है और कौन सा किसका है, आपका पॉपुलेशन का है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ देयर आर टू मेजर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर वन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन चाहे कैसी भी रिप्रोडक्शन हो, तीन मेन इवेंट्स, तीन कैरेक्टरिस्टिक हर रिप्रोडक्शन में होता है। सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले होता है आपका सेल तो डिवाइड करेगा, चाहे बेटा आप यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर हो, चाहे आप मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर हो, कुछ भी करो सेल डिवीजन तो होगी होगी। यस बेटा, सो रिप्रोडक्शन के अंदर देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेल डिवीजन एंड देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ड्यूप्लीकेशन ऑफ द एपरेटस प्लस बेटा डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए। अगर एक अमीबा दो बनाना चाहता है, डीएनए डबल करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जैसा एक और स्पीशी बन जाए, तो डीएनए तो बेटा डबल करना पड़ेगा। दैट मींस एक ऐसा टाइप का सेल डिवीजन चाहिए जो क्या परफॉर्म करे, ड्यूप्लीकेशन परफॉर्म करे। एंड बच्चों, वन ऑफ द अनदर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। एंड अगर हम में बात करें, द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आर गैमीट्स। एग्जाम्पल ऑफ द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, दे आर गैमीट्स। अनदर एग्जाम्पल कुड बी लाइक स्पोर्स, वो भी क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो हर टाइप की रिप्रोडक्शन में, चाहे वो सेक्शुअल है, चाहे वो एसेक्शुअल, कोई ना कोई तो रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा ही होगा।
और बेटा वहां पर डीएनए भी डुप्लीकेट करेगा, साथ ही में सेल भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो दीज आर थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होंगी बच्चे तभी तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशी होगी। आप यहां देख रहे हो देर आर थ्री जनरेशन स्टैंडिंग इन दिस फिगर, यस है ना बेटे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट बेटा। चलिए फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, स्टार्टिंग विद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज यूनी पेरेंटल। कि अगर अमीबा आगे रिप्रोड्यूस करना चाहता है तो वो अकेला काफ़ी है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। हाइड्रा आगे रिप्रोड्यूस करना है, वो अकेला काफ़ी है। स्पायरोगायरा, ओके, अलोन इज सफिशियंट, है ना। उसको उसको दो लोग नहीं चाहिए, उसको पूरा एकता में शक्ति नहीं चाहिए, वो अकेले ही सफिशियंट है। सो यूनिपेरेंटल, सिंगल पेरेंट वुड बी इन्वॉल्व। नेक्स्ट बेटा, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं होती है, विदाउट मोस्टली गैमेटिक फ्यूजन। इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं ए गैमोजेनेसिस, ए गैमोजेनेसिस, ठीक है। एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने छोटे छोटे डॉटर सेल्स बनेंगे दे ऑल आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, बिल्कुल डिट्टो, पेरेंट की कॉपी। और जितने मान लो चार पांच सिबलिंग्स बन रहे हैं सब एक दूसरे की कॉपी होंगे। तो मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, ठीक है। That is why यहां पर क्या होती है, क्लोन फॉर्मेशन। यस बेटा, हाँ जी, अगर गैमीट ही नहीं बने तो फर्टिलाइज किसको करेंगे, गैमीट ही नहीं बने तो बच्चे फर्टिलाइज किसको करेंगे, राइट। सो देयर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी नो फर्टिलाइजेशन। प्लस बच्चे यहां पर बॉडी का ना सोमैटिक पार्ट ही आगे डिवाइड होकर नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, सोमैटोजेनेसिस, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो सोमैटोजेनिक, मैं यहां पर लिख रही हूं, इट इज ऑल्सो सोमैटोजेनिक। जैसे आप प्लांट्स में देखते हो द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट दे कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोमैटोजेनिक। तो ये सारे टर्म्स यूनिपेरेंटल, ए गैमोजेनेसिस, सोमैटोजेनिक, ये सब किससे रिलेटेड है बच्चों, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना एक से बड़े सारे ऑफस्प्रिंग बनते हैं, एक से मान लो 100 बन गए बैक्टीरिया में देख रहे हो, इस एक से कितने सारे 10^6, 10^5 बन रहे हैं, वो सब क्या है, क्लोन। पूरे ग्रुप का जत्थे को क्या बोलोगे, क्लोन, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द क्लोन, है ना। मान लो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप का क्या नाम है, क्लोन, ठीक है। ये बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इस पूरे ग्रुप का नाम क्या रख दिया है मैंने, क्लोन रख दिया है। लेकिन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द क्लोन is called as ramet, ठीक है, is called as ramet, that is individual member of clone. Yes guys, individual member of clone is called as ramet. So let us start with first type of asexual reproduction, जिसमें एक unicellular organism के दो टुकड़े हो रहे हैं, कितने, दो टुकड़े। फ्रॉम वन पेरेंट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर ऑर्गेनिज्म, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ, विच इज गोइंग टू बी, विच बच्चो इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज फिशन। हम ये सारी आज पढ़ेंगे, वेजिटेटिव वाला पोर्शन आप प्लांट में करेंगे। तो हम अप टिल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो पहले टाइप का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज फिशन, एंड दिस फिशन एक से बने दो, दो को क्या बोलते हो बच्चों, बाय, है ना, या डाय। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, जिसमें द बॉडी ऑफ पेरेंट एक्चुअली स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉल बट आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म। एक सेल से बच्चों स्प्लिट होकर कितने डॉटर सेल बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, बिल्कुल सेम है आपस में। तो पता चल गया कि यार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो डॉटर सेल बनते हैं, उसको आप बोलते हो बाइनरी फिशन। किस में देखी जाती है, एग्जाम्पल बता दो बच्चे, क्यों नहीं, कम ऑन गाइस, टेल मी द एग्जाम्पल, नाम बताओ इसका, हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस पर्सन। हाँ बच्चा आदित्य, हम वेट कर रहे थे आपके 10th के एग्जाम होंगे तो 11th करेंगे, बट अब आपके 10th के एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं तो सून वी विल स्टार्ट विद 11th, सून सून। हाँ जी, कौन है, कम ऑन, हाइड्रा,
कौन बोल रहा है हाइड्रा? वेरी रॉन्ग आंसर, खड़ा हो जाए, क्लास से बाहर होना चाहिए उस बच्चे को. यस बिल्कुल, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, इट इज बेटा अमीबा. कौन है ये? दिस इज अमीबा, ठीक है, जिसमें द पेरेंट वॉज सिंगल, यूनिपेरेंटल है. यूनिपेरेंटल में सबसे पहले क्या हुआ, अमीबा ने फेवरेबल कंडीशंस में क्या किया, अपना न्यूक्लियस डिवाइड किया. न्यूक्लियर डिवीजन को तुम क्या बोलते हो, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, ठीक है. कैरियोकाइनेसिस करने के बाद अब क्या हुई, सेल डिवाइड हुआ, है ना, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस. एंड अल्टीमेटली एक पेरेंट अमीबा से कितने डॉटर अमीबे बन गए, कितने डॉटर अमीबे बन गए, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर अमीबे, एक से बने दो, तो ये क्या कहलाएगा, आपका बाइनरी फिशन. यस, लेकिन यहां पे तुम देखो, एक सेल से जब दो बने, किस प्लेन में काटा? यार अमीबा तो बड़ा ही इररेगुलर सा ऑर्गेनिज्म है, तुम इधर से काट सकते हो, देयर कैन बी दिस प्लेन ऑफ डिविजन, देयर कैन बी दिस प्लेन ऑफ डिविजन, सो एनी प्लेन ऑफ डिविजन कुड बी देयर, है ना, कैसा भी प्लेन ऑफ डिविजन हो सकता है. सो दैट इज वाई दिस बाइनरी फिशन इज कॉल्ड एज इररेगुलर बाइनरी फिशन. कोई दीन मानी नहीं है, इधर से कट करो, इधर से करो, ऊपर से करो, क्योंकि बॉडी बहुत ही इररेगुलर है, बॉडी की कोई फिक्स शेप नहीं है बिकॉज ऑफ द सूडोपोडिया. सो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल और इररेगुलर बाइनरी फिशन. लेकिन सबकी बॉडी ऐसी नहीं है, है ना, कुछ के पास डेफिनेट शेप भी है. चलिए लेट अस टॉक अबाउट दैट, आगे चलो. हाँ जी, टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिज्म जो ऐसे लंबा सा है, लंबू टाइप्स, है ना, सो दिस इज वन ऑर्गेनिज्म विच इज एक्चुअली युग्लिना. युग्लिना ऐसे लंबा सा ऑर्गेनिज्म है, यहां पर आपको न्यूक्लियस दिखता है, तो यहां पर द पेरेंट बॉडी विल डिवाइड इन दिस प्लेन. यस, एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल प्लेन. क्या बोलते हो बेटा इसको, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ठीक है. सो इस टाइप की बाइनरी फिशन जिसमें एक से बनेंगे दो युग्लिने, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसकी शेप कैसी है, तुम्हारी बाथरूम चप्पल की तरह, है ना, फ्लिप फ्लॉप की तरह. क्या बोलते हैं बेटा इसको, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं ना, कैंची चप्पल या बाथरूम चप्पल. तो जो स्लिपर शेप ऑर्गेनिज्म है जिसको आप क्या बोलते हो, पहचानो बच्चों, है ना, ये तो तुम्हारे आइडेंटिफाई पहचान कौन में आने चाहिए कि यार इसको पहचानो कौन है ये. यस दिस इज आदित्य कुमार विद द राइट आंसर, दिस इज एक्चुअली पैरामीशियम, ठीक है. सो इफ द बॉडी ऑफ ए सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग इन दिस प्लेन, है ना, वो ऐसे लंबा था लॉन्गिट्यूडनल, इफ इट इज गेटिंग डिवाइडेड इन दिस ट्रांसवर्स प्लेन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. सो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिविजन, कि यार अगर कहीं से भी काट लोगे दैट इज गोइंग टू बी इररेगुलर, अगर तुम काटोगे बेटा लंबे में दैट इज गोइंग टू बी लॉन्गिट्यूडनल, अगर तुम काटोगे ऐसे दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. यस, तो यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखूँ, देयर इज एन ओरल ग्रूव, दो न्यूक्लियस होते हैं, इसके पास मैक्रो न्यूक्लियस, देयर इज गोइंग टू बी माइक्रो न्यूक्लियस, एक साइड होती है बच्चे एंटीरियर, ठीक है, एक साइड होती है इसकी पोस्टीरियर, ठीक है, एंड देन इन दिस प्लेन देयर इज गोइंग टू बी डिविजन. जो पोर्शन एंटीरियर से बनेगा उसको तुम बोलोगे प्रोटर, जैसे ये वाला पोर्शन आपका एंटीरियर से बना, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटर. एंड जो डॉटर सेल आपका पोस्टीरियर सेगमेंट से बना, दिस इज कॉल्ड एज ओपिस्थे. यस, सो दिस इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इन केस ऑफ बेटा पैरामीशियम. डन डन बच्चे. अब एक और टाइप की बाइनरी फिशन होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक, मैं यहीं पर लिख रही हूं. फोर्थ टाइप ऑफ बाइनरी फिशन इज गोइंग टू बी ऑब्लिक, जिसमें डायगनली कट करते हैं, विच अकर्स इन सेरेशियम, ठीक. चलिए, सो विद दिस वी आर डन विद फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सब टाइप ऑफ फिशन ओनली. फिशन बाइनरी फिशन में एक से दो बनते थे, अगर मान लो एक से बहुत सारे बन जाए, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन, इन विच सेवरल ऑर्गेनिजम्स दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. एक से बहुत सारे बढ़ जाएंगे, ठीक है. मल्टीपल फिशन कहाँ देखी जाती है, एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल बेटा इज मलेरियल पैरासाइट. चलो नाम बताओ, मलेरियल पैरासाइट. यस 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 गाइस, कम ऑन, टेल मी द नेम.
मलेरियल पैरासाइट, हाँ जी, किसने नाम दिया है, किसने नाम दिया है, इन विच द पेरेंट सेल स्प्रिट्स इनटू मेनी डॉटर सेल, दैट इज गोइंग टू बी बेटा प्लाज्मोडियम. ठीक है, इन विच द सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीपल सेल. होता क्या है, देखो बाइनरी फिशन में क्या हो रहा था कि जैसे कैरियोकाइनेसिस हुई उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी. यहां पर देखो, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस हुई, एक न्यूक्लियस से बड़े सारे न्यूक्लियस बन गए, हर न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म एडजस्ट कर लिया और फिर अल्टीमेटली वो बर्स्ट करेगा, बर्स्ट कर देगा तो बच्चे यहां से बहुत सारे डॉटर सेल निकल आएंगे. सो दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिशन विच अकर्स इन प्लाज्मोडियम. अच्छा, जो प्लाज्मोडियम में होती है ना मल्टीपल फिशन, उसके लिए एक सेपरेट नाम भी दिया जाता है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्किज़ोगनी. अभी हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, इट इज कॉल्ड एज स्किज़ोगनी. यस बेटा, लिख लीजिए आप, जिसने पढ़ा हुआ है, जो ड्रॉपर है वो समझता है. स्किज़ोगनी बोल लो, स्किज़ोगनी बोल लो, दिस इज द नेम गिवन टू मल्टीपल फिशन इन पैरामीशियम. आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से एक सेल बर्स्ट हुआ और उसमें से कितने सारे डॉटर सेल निकले. मेजर अंतर कोई बता सकता है बाइनरी और मल्टीपल में? एक तो क्लियर है, वहां पर एक से दो बन रहे हैं, यहां पर एक से बहुत सारे बन रहे हैं. व्हाट इज अनदर मेजर डिफरेंस? कैन एनीवन टेल मी? यस, कैन एनीवन टेल मी? स्किज़ोगनी बेटा, हां जी, एक बहुत क्लियर डिफरेंस है. बाइनरी में क्या था कि जैसे ही एक बार कैरियोकाइनेसिस हुई उसी टाइम पे साइटो हो गई, साइटोकाइनेसिस हो गई. सो एवरी कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. बट इन दिस केस एक बार कैरियोकाइनेसिस हुई, दोबारा हुई, तिबारा हुई, होती जा रही है, अंत में जाके बेटा क्या हो रही है, साइटोकाइनेसिस. तो यहां पर एवरी कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. यहां पर लिख रही हूं मैं, दैट इज एवरी कैरियोकाइनेसिस, every karyokinesis is not followed by cytokinesis. ये बात समझ आई? Come on guys, tell me. ये बात समझ आई सबको कि वहां पर हर karyokinesis के बाद cyto होती है, यहां पर पहले सारे कैरियो हो जाएगी, लास्ट में क्या होगी, cyto होगी. बिल्कुल. अब ये जो मल्टीपल फिशन है ये प्लाज्मोडियम में तो होती है, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अमीबा. यस गाइस, आपका ये जो अमीबा है ना, अमीबा अंडरगोज मल्टीपल फिशन, बट बेटा इन अनफेवरेबल कंडीशन. जब अमीबा के लिए बाहर तापमान अच्छा नहीं है, वो उसको मजा नहीं आ रहा है उस टाइम पे, तो यार अमीबा क्या करेगा, यहां पर मल्टीपल फिशन शो करेगा. एक्चुअली में अमीबा क्या होता है, इररेगुलर शेप है. जरा देखो यहां पर, अमीबा इज एक्चुअली इररेगुलर इन शेप, लेकिन जब आई अनफेवरेबल कंडीशन तो भाई अमीबा ने अपने सूडोपोडिया त्याग दिए. क्या कर दिए? सूडोपोडिया त्याग दिए और ये राउंड बन गया. ठीक है, राउंड बन गया. इसके अराउंड बन जाएगा थ्री लेयर्ड सिस्ट. क्या बन जाएगा बेटा? इसके अराउंड बन जाएगा थ्री लेयर्ड सिस्ट. अमीबा की बात हो रही है, अमीबा बहुत चालू है. फेवरेबल कंडीशन में तो भाई एक से दो बनाती है, अनफेवरेबल कंडीशन में लगातार लगे हुए हैं. जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी सबसे पहले तो बच्चे ये अपने सिस्ट सूडोपोडिया को क्या करेंगे, त्याग देंगे. ठीक है, सूडोपोडिया को त्यागा, खुद राउंड हो गए और बाहर क्या बना लिया इन्होंने, थ्री लेयर्ड सिस्ट. क्या बोलोगे इस प्रोसेस को? एनसिस्टेशन. यस, दिस इज कॉल्ड एज एनसिस्टेशन. यस बेटा, यहां तक क्लियर है? अब इसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में ये न्यूक्लियस क्या करेगा? कैरियोकाइनेसिस. नाउ दिस न्यूक्लियस इज गोइंग टू परफॉर्म मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस. बड़े सारे डॉटर न्यूक्लियस बना लेंगे. देखो, हाँ जी, मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस हो रही है, एक न्यूक्लियस से इतने सारे माइटोसिस पे माइटोसिस करते जा रहे हैं. अभी भी बाहर क्या प्रेजेंट है? थ्री लेयर्ड सिस्ट प्रेजेंट है. ठीक है, इस तरीके से थ्री लेयर्ड सिस्ट यहां पर प्रेजेंट है. अब हर न्यूक्लियस के अराउंड बच्चे क्या होगा, हर न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म आकर अरेंज हो जाएगा. साइटोप्लाज्म बेटा आकर अरेंज हुआ तो छोटे छोटे स्पोर्स बन जाएंगे. क्या बन जाएंगे यहां पर? छोटे छोटे स्पोर्स बन जाएंगे एंड दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज स्यूडो
पोडियोस्पोर्स। यस बेटा, यहां पर क्या बन गए? स्पोर्स बन गए। दीज आर कॉल्ड एज स्यूडोपोडियोस्पोर्स। स्यूडोपोडियोस्पोर्स। एंड अल्टीमेटली जब आएगी फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये सारे सिस्ट के लेयर्स क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगी। और ये जो डॉटर अमीबे है ना, दीज डॉटर अमीबे देन दे आर गोइंग टू देन कम आउट एज द फ्रेश डॉटर सेल। यस, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक सेल से आपको कितने सारे डॉटर अमीबे मिले। ये बात समझ आई? मल्टीपल फिशन, मल्टीपल माने एक से बहुत सारे। पहले अमीबा था, एक था, अनफेवरेबल कंडीशन आई तो उसने पहले सूडोपोडिया त्याग दिए, राउंड हो गया। राउंड होने के बाद एनसिस्टेशन की, देन बचे मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, हर एक के अराउंड साइटोप्लाज्म एक सराउंड कर गया, स्यूडोपोडियोस्पोर बन गए। जब रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन आएगी, सिस्ट फटेगा एंड सारे स्यूडोपोडियोस्पोर बाहर, एंड दीज आर द डॉटर अमीबे। ओके, सो अमीबा बहुत चालू, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन कर सकता है, बाइनरी भी, और साथ में क्या कर सकता है? मल्टीपल। नेक्स्ट आता है बेटा बडिंग। बडिंग मतलब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन आउटग्रोथ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन आउटग्रोथ, एंड दिस आउटग्रोथ कमिंग आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज बड। इसको बेटा क्या बोलते हो? बड। फिर वो धीरे धीरे बड ग्रो करता है, मेच्योर हो रहा है। मेच्योर होने के बाद पूरा मेच्योर, फुली मेच्योर बड बन गया। जब पूरा मेच्योर हो जाएगा, पेरेंट से कभी तो छुटकारा होगा, है ना? आप अभी 12 साल, 14 साल, 16 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, है ना? 12th क्लास तक अपने पेरेंट्स के साथ रहे, लेकिन जब आप मैच्योर हो रहे हो, है ना, धीरे धीरे यू गाइज आर मैच्योरिंग, जब कॉलेज में जाओगे, तब हॉस्टल में रहोगे, तो पेरेंट्स से कभी ना कभी तो डिटैचमेंट आएगी। वो कब आती है? जब एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। तो जब ये बड मैच्योर होके पूरा एक फुल फ्लेज्ड इंडिविजुअल बन जाएगा, एट दैट टाइम दे विल सेपरेट। कई बार तो ऐसा होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें वो अलग ही नहीं होते, वो अपने पेरेंट के साथ ही रहना चाहते हैं। वो क्या बना लेते हैं बच्चे? कॉलोनीज बना लेते हैं। उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल बडिंग, कॉलोनियल, एंड दिस इज सीन इन केस ऑफ ओबिलिया। यीस्ट में भी देखा गया, ओबिलिया में भी देखा गया, जिसमें बेटा डॉटर सेल साथ में ही चिपके रहेंगे एंड पेरेंट से अलग नहीं होंगे। यस, एंड यहां पर जो आप आउटग्रोथ देख रहे हो वो बॉडी के बाहर है। यस गाइस, ये जो बड बना है ये बॉडी के बाहर बना है, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बडिंग। ये कैसा बड है? बॉडी के बाहर बना है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बडिंग। अगर यही बड बेटा बॉडी के अंदर बन जाए, दिखे ना बाहर, बॉडी के अंदर बन जाए, दिस इज कॉल्ड एज एंडोजीनस और इंटरनल बडिंग। किस में देखी जाती है? सबसे प्रिमिटिव फाइलम। गाइस टेल मी द नेम ऑफ सबसे प्रिमिटिव फाइलम। यस यस यस, सबसे प्रिमिटिव फाइलम बताओ। हाँ ठीक है कुमारी इंदु, बिल्कुल ठीक है। सबसे प्रिमिटिव फाइलम बताओ जिसके दो ऑर्गेनिज्म में आपको ये इंटरनल बड्स दिखते हैं। यस, द इंटरनल बड्स बेटा, चलो हिंट दे देती हूँ, दे आर कॉल्ड एज जेम्यूल्स। एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको आना चाहिए। इंटरनल बर्ड्स, दे आर कॉल्ड एज जेम्यूल्स। एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जिसमें दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जिला। ठीक है, दिस इज फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ऑल्सो जेमेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन अकर्स इन मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड एज साइकॉन। तो मैं आपको स्पॉन्जिला, ये जो मैंने दिखाया है, दिस इज एक्चुअली स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक्चुअली करती क्या है? देखो बच्चों, स्पॉन्जिला को ना ठंडे पानी से बिल्कुल प्यार नहीं है, ठीक है? ठंडे पानी इज काइंड ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला को जब पता होता है ना कि सीजन चेंज होने वाला है, गर्मी से अब सर्दी आने वाली है, पानी का टेम्परेचर चेंज होने वाला है, तो जब अभी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो पेरेंट स्पॉन्जिला अपने अंदर रिजर्व फूड इकट्ठा करेगी आने वाली अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। तो अपने अंदर वो रिजर्व फूड इकट्ठा करके क्या बना लेती है? जेम्यूल्स, जो कि बन जाएंगे ड्यूरिंग वार्मर टेम्परेचर ओनली, ठीक है? जब अभी पानी गर्म है, ड्यूरिंग वार्म टेम्परेचर, ये बच्चा अपनी बॉडी के अंदर बना लेंगे बहुत सारे जेम्यूल्स, इंटरनल बर्ड्स, एंड इंटरनल बर्ड्स लुक लाइक दिस। यस, सो इंटरनल बर्ड्स बेटा एक्चुअली लुक लाइक दिस। यस, जिनके पास ऊपर एक ओपनिंग होती है, द ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल,
एंड इनसाइड दिस देयर आर लॉट्स ऑफ सेल्स विच आर टोटिपोटेंट इन नेचर. हाँ जी, जिन्होंने मेरे से एनिमल किंगडम पढ़ा है वो इसका आंसर जानते हैं कि अंदर कौन से सेल भरे होंगे. स्पॉन्जेस में एक ही टाइप के सेल्स होते हैं जो टोटिपोटेंट होता है, जिनके पास टोटल पोटेंशियल है टू कन्वर्ट इनटू एनी टाइप. दीज आर कॉल्ड एज, यस बेटा बिल्कुल, आंसर बताओ, आंसर बताओ. दीज आर कॉल्ड एज आर्क्योसाइट्स, है ना. सो दीज टोटिपोटेंट सेल्स आर कॉल्ड एज आर्क्योसाइट. ठीक है, बाहर होगा इनका स्केलेटन, राइट. सो दीज आर स्पिक्यूल्स विच आर एक्चुअली फॉर्मिंग द स्केलेटन. तो जब बेटा गर्मी होती है ना, टेम्परेचर अभी वार्म होता है, तो स्पॉन्जिला की बॉडी अपने अंदर सारा रिजर्व फूड इंटरस्टिशियल सेल भर के रख लेगी जेम्यूल्स की फॉर्म में. और जब आ जाएगी ठंडी अनफेवरेबल टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, तो बेटा जो एडल्ट है, जो पेरेंट है, दैट पेरेंट विल डाई. वो अपनी बॉडी से क्या रिलीज कर देगा पानी में? जेम्यूल्स रिलीज कर देगा. तो जब तक ठंडा पानी है तब तक वो जेम्यूल की फॉर्म में ही रहेंगे. जैसे ही दोबारा फेवरेबल कंडीशन आएगी, दीज जेम्यूल्स दे आर गोइंग टू बर्स्ट. Archaeocytes will come out. These archaeocytes, they will then form a new sponge. Because beta archaeocyte kaise cells hain? Totipotent cells hain. Kaise cells hain? Totipotent cells hain. Right? तो ये बात हो गई आपकी इंटरनल बडिंग की, जिसको हम बोलते हैं जेमेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन. अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोरुलेशन, दैट यू सी इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास. देन बेटा आप क्या देखते हो? रीजनरेशन, जिसमें पेरेंट की बॉडी का अगर एक्सीडेंट हो जाए, देन ईच बॉडी पार्ट कैन ग्रो टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू बॉडी, कंप्लीट बॉडी फ्रॉम अ स्प्लिट आउट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन. अब मैं आपको दो चीजें बताती हूँ बेटा. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टू थिंग्स. वन इज फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन. एक टर्म है रीजनरेशन. बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को. रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें बॉडी मेच्योर होने के बाद खुद से इट स्प्लिट्स इनटू सेगमेंट. अपने आप मेच्योर होने के बाद उसके टुकड़े हो जाएंगे, दैट इज फ्रैगमेंटेशन. रीजनरेशन बेटा वो प्रोसेस है जिसमें मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट होने की वजह से बॉडी के हिस्से हुए. अब हर हिस्सा अगर एक पूरा बॉडी बना पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन. डिफरेंस समझ आया? यस बच्चे, हाँ बिल्कुल. रीजनरेशन इज सीन इन केस ऑफ प्लेनेरिया, बिल्कुल आपको पता है ना. डिफरेंस क्लियर हुआ? फ्रैगमेंटेशन में खुद से उसके हिस्से हो जाएंगे. रीजनरेशन में बच्चे इट हैपेंस वाया एक्सीडेंट. इफ एक्सीडेंटली वन ऑफ द बॉडी पार्ट इज कट, जैसे आप स्टारफिश में देखते हो कि यार एक एनिमी ने एक बॉडी पार्ट पकड़ गया, फिर वो ले गया, then the body will regrow that body part, that is called as regeneration and fragmentation. दोनों मैंने आपको बता दिया. example is going to be spirogyra. ठीक है, okay, इसका answer बता सकते हैं आप. एक previous year question इतने से portion में से आया. come on guys, which of the following generates new genetic combination leading to variation? vegetative reproduction, parthenogenesis, sexual or nuclear polyembryony. come on, come on, previous year question साथ साथ करते रहेंगे. Yes, give me the right answer to this previous year question. Hanji, which one will generate new combination? नए combination तो वही होंगे जहां पर meiosis भी होगी, है ना, genetic recombination होंगे. asexual में हमने देखा gamete ही नहीं बन रहे, तो meiosis की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता ही नहीं है. तो यार इसमें नए recombination सिर्फ किस में बनते हैं? That is going to be option number C, which is sexual reproduction, जो कि आगे हम करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं? We are going to start with sexual reproduction. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, इट इज यूजुअली बाई पेरेंटल. यूजुअली इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व है? एक मेल पेरेंट होता है, ठीक है, और एक क्या होता है आपके पास? फीमेल पेरेंट होता है. दोनों पेरेंट क्या बनाते हैं? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. सो गैमोजेनेसिस इज इन्वॉल्व, गैमेटोजेनेसिस इज इन्वॉल्व. बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, गैमीट बने, गैमीट आपस में फर्टिलाइज करे, एंड वहां से आपकी नेक्स्ट जनरेशन आई. जब ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं तब बेटा उसको क्या बोलोगे आप लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इट इज एक्चुअली बाई पेरेंटल. देन बेटा यहां पर हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे. क्या बनेंगे? हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे.
and then ultimately those gametes they are going to fuse by the process of syngamy. Yes, beta. So इसको बोला जाता है sexual reproduction. Now in every kind of sexual reproduction तीन तरीके के events होते हैं. ये देखो, ये fusion का नाम है fertilization. ठीक है, एक event होगा before fertilization, एक इवेंट बेटा होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन खुद तो आपस में एक इवेंट है ही. सो देयर आर थ्री इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वन इज कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो रहा है, तैयारी करनी पड़ेगी. सेकंड बेटे फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बॉडी के बाहर हुई, अंदर हुई, एंड देन फ्यूजन होने के बाद क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. यस गाइस, इज दिस क्लियर? पता चला? तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हुआ बेटा, प्रेपरेशन. किसको फर्टिलाइज कराओगे, गैमेट्स को. गैमेट बनाओगे तभी तो फर्टिलाइज होंगे. सो फर्स्ट देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ दीज गैमेट्स. गैमेट बनेंगे, फीमेल ने अपने गैमेट बनाए, मेल ने अपने गैमेट बनाए, फिर बेटा वो गैमेट नजदीक आएंगे, ट्रांसफर होगा मेल और फीमेल गैमीट का आपस में एक साथ, वो भी इवेंट आ जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन में. जब बेटा वो सेम टाइम पे एक साथ होंगे तभी क्या होगी आपकी फर्टिलाइजेशन, है ना. तो पहले इवेंट से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट इवेंट इज गोइंग टू बी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. सबसे पहली चीज बच्चे इज गोइंग टू बी गैमीटोजेनेसिस. पहले आपके पास क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, गैमीट फॉर्मेशन. मेल्स में गैमीट कौन बनाता है, देर इज एन ऑर्गन विच फॉर्म्स गैमीट्स, है ना. रिप्रोडक्टिव सेल्स चाहिए आपको, स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है हमारे पास. वी हैव प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो क्या बनाएंगे, गैमीट्स. एंड दोज ऑर्गन्स, अगर मैं बात करूँ मेल्स, दे आर गोइंग टू बी टेस्टिस, एंड अगर मैं बात करूँ बेटा फीमेल्स, दे आर गोइंग टू बी ओवरीज. सो दीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो मियोसिस करके क्या बनाएंगे बेटा, गैमीट्स बनाएंगे. वो सेल जो मियोसिस करता है उसको बोलते हैं मियोसाइट. क्या बोलते हैं उसको, मियोसाइट. सो मियोसाइट क्या हुआ बच्चों, जिसने मियोसिस करनी है क्या बनाने के लिए, गैमीट. तो क्या इसको गैमीट मदर सेल बोल सकते हैं. सब बच्चे मुझे येस और नो में बताओ, क्या इसको मियोसाइट को जिसने मियोसिस करके गैमीट बनाना है, क्या इसको गैमीट मदर सेल बोल सकते हैं, येस और नो. यस यस यस, कम ऑन गाइस, टेल मी येस और नो में बताओ, क्या बेटा इसको हम गैमीट का मदर सेल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते. बोल सकते हैं ना, यस yes? क्योंकि बेटा इसने मियोसिस करके गैमीट ही तो बनाना है. सो दिस इज कॉल्ड एज गैमीट मदर सेल, जो कि मियोसिस करके गैमीट बनाएगा. तो भाई अगर ये मियोसिस कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो खुद तो हमेशा ही क्या होगा, ऑलवेज इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर. कैसा होगा बेटा, ऑलवेज गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है, राइट. सो जब आपके गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स बनाने के लिए मियोसाइट में क्या होगी, मियोसिस होगी. मियोसिस होने के बाद डिप्लॉयड सेल से आपके पास क्या बन जाएंगे, हैप्लॉयड सेल बन जाएंगे. जैसे मैं आपको बताऊं ह्यूमन में मियोसाइट का क्या क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन है. मियोसाइट की बात करें, क्या क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, 46 डिवाइड करके बेटा ये क्या बना लेते हैं, गैमीट बना लेते हैं. गैमीट का अगर क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 23. तो मियोसाइट बच्चे हर ऑर्गेनिज्म का क्या होने वाला है, डिप्लॉयड होने वाला है. वो आगे मियोसिस करके क्या बनाता है, हैप्लॉयड गैमेट्स बनाता है. फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, लाइक यू हैव गॉट हनीबी. हनीबी में बेटा मेल्स अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, फीमेल्स अलग तरीके से करते हैं. मेल्स की बात करें तो बच्चे दे एक्चुअली फॉर्म गैमेट्स बाय माइटोसिस, नॉट मियोसिस. और जबकि फीमेल क्वीन की बात करें, इट विल फॉर्म गैमेट्स बाय ओवा बाय मियोसिस, ठीक है. हियर देयर इज एन एक्सेप्शन, मैं यहाँ पे एक्सेप्शन लिख रही हूँ. एक्सेप्शन इज गोइंग टू बी हनी बी गाइज, ठीक है. क्योंकि जो मेल है वो गैमीट कैसे बनाता है, माइटोसिस, 16 के 16 आ जाते हैं. और जो फीमेल है बच्चे, क्वीन है, वो गैमीट कैसे बनाती है, बाय मियोसिस. ओवा कैसे बनता है, मियोसिस. 32 में से कितने आते हैं, 16 आते हैं. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट लेक्चर है बेटा आज, बिल्कुल हम
शुरू से शुरुआत करके आगे बढ़ेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहली चीज होगी गैमिट फॉर्मेशन, अगली चीज होगी बेटा गैमिट ट्रांसफर। अगर तो गैमिट बन रहे हैं पानी में, जैसे आपके लिए फिशेस की बात लें, फ्रॉग की बात लें, तो यार पानी में पानी के करंट की हेल्प से क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर हो जाएगा, मेल गैमिट फीमेल गैमिट के नज़दीक आ जाएगा। लेकिन बेटा अगर बात करें लैंड एनिमल्स की, उनको तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर चाहिए। यस बेटा, उनको तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर चाहिए। सो गैमिट ट्रांसफर की बात करें, देन इन केस ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स में ये काम कैसे हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट। और फ्रॉग के पास तो एक प्रॉपर बच्चों फंडा है। फ्रॉग क्या कहता है, मेल फ्रॉग इज गोइंग टू होल्ड द फीमेल फ्रॉग इन दिस पोजिशन एंड दिस इज कॉल्ड एज एम प्लेक्सिस एंड दे विल कीप द होल्ड ऑफ फीमेल फ्रॉग टिल द टाइम फीमेल डज नॉट रिलीज ओवा। यस, मेल बच्चे इस तरीके से फीमेल फ्रॉग के ऊपर, यू नो दे आर गोइंग टू परफॉर्म एम प्लेक्सिस सो दैट फीमेल फ्रॉग रिलीजेज द गैमिट। और उससे वो ये इंश्योर करते हैं कि यार मेल और फीमेल गैमिट पानी में आए और एक साथ, मतलब एक ही जगह नजदीक हो जाए। एम्प्लेक्सिस का क्या फंडा है कि द गैमिट शुड बी नियर बाय टू ईच अदर, तभी द मेल फ्रॉग विल नॉट लीव द फीमेल फ्रॉग टिल द टाइम फीमेल विल रिलीज द फीमेल गैमिट। ये बात समझ आई, ये बात बच्चों समझ आई, ठीक है? हाँ जी, चलिए। सो गैमिट ट्रांसफर अगर एक्वाटिक में होना है तो पानी के करंट्स कर लेंगे। एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी योर फिशेज, देन अनदर एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी, ठीक है, एम्फीबियंस। लेकिन जो एनिमल्स बेटा लैंड पर आ गए हैं, दे रिक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, दे रिक्वायर अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर दिस प्रोसेस। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ, वी हैव गॉट अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल्स के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो क्या परफॉर्म करते हैं, गैमिट ट्रांसफर, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं इनसेमिनेशन। ठीक है बच्चों, पेपर होगा, आज हो चाहे कल हो मिस्टर प्रवीण, ठीक है, तो तुम मेरी क्लास को ना थोड़ा पढ़ने दो, राइट? सो पेपर होगा गाइस, आज हो कल हो। अब आप ये मत सोचिए कि कब होगा, तुम लोग तो ट्वेल्थ में पढ़ते हो, ट्वेल्थ ने तो अगले साल पेपर देने, अगले साल तो होने ही होने। यस गाइस, अगले साल तो होने ही होने, राइट? लैंड एनिमल्स के पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल ऑफ द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी पीनस, विच विल हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट इन टू द फीमेल बॉडी। तो ये चीजें हो गई बिफोर फर्टिलाइजेशन, गैमिट बन भी गया, गैमिट ट्रांसफर भी हो गया, प्लांट्स में भी आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, एनिमल्स में आपने देखा विद द हेल्प ऑफ पीनस और विद द हेल्प ऑफ वॉटर। अब बेटा गैमिट्स बन गए, अब गैमिट्स को क्या करा देंगे, फर्टिलाइज करा देंगे। दो जगह फर्टिलाइजेशन हो सकती है, इफ इट इज हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, है ना। अगर फ्यूजन ऑफ गैमिट बच्चे अंदर हुआ इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, जैसे हमारे में होता है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझे बेटा? सो दो तरीके से अब फर्टिलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट वन, इफ द फ्यूजन इज गोइंग टू अकर आउटसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल, जैसे आप फिशेज में देखते हो, है ना, जैसे आप फ्रॉग में देखते हो, एम्फीबियंस में देखते हो। अगर यही जो फ्यूजन है इस तरीके से अंदर हो जाए, ये देखो यहाँ पर बॉडी में स्पर्म्स आए विद द हेल्प ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन, ओवरी ने सेकेंडरी ओसाइट रिलीज किया, दोनों आपस में जुड़े, ये जो फर्टिलाइज होने के बाद जायगॉट बना, कहाँ बना, बॉडी के अंदर बना, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके गाइज, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्लियर? एंड इफ दिस फ्यूजन विल हैपन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फिशेज, एम्फीबियंस, ठीक है, दे परफॉर्म द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट? यहाँ पे देखिए फिशेज क्या करती है, मेल फिशेज वेटिंग टू स्प्रेड द स्पर्म ओवर द एग्स एंड फीमेल फिशेज लेइंग एग्स। यहीं पे मैंने आपको बताया था अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द फ्रॉग विच इज कॉल्ड एज एम्प्लेक्सिस। यस क्लियर बेटा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब थोड़ा सा ना एक इसमें ट्विस्ट है, यूजुअली जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो फर्टिलाइज्ड एग से बनता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग कैन ऑल्सो प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन। यस बच्चों, अगर अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज बेटा कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको,
पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन। क्या हुआ? अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप्ड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। देखो कुछ तो ऐसे हैं जिसमें पार्थिनोजेनेसिस भी हो जाती है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, फर्टिलाइज्ड एग्स से भी बना लेते हैं, वो है इनकम्प्लीट टाइप की, कि दोनों काम कर रहे हैं जैसे हनी भी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ कैसे अपनी जनरेशन आगे बढ़ाते हैं, बाय पार्थिनोजेनेसिस, वो है कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, जो आपको कुछ लिजर्ड्स में दिखती है जैसे लेसर्टा। अब पार्थिनोजेनेसिस होके अनफर्टिलाइज्ड एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है, या तो मेल बना लेगा उसे बोलोगे अर्हिनोटॉकी, या तो फीमेल बना लेगा उसे बोलोगे तुम थैलीटॉकी, या दोनों भी बना सकता है उसे बोलोगे तुम एम्फीटॉकी। सो टॉकी टॉकी से याद रखना है सबने, टॉकी टॉकी से बेटा याद रखना है। यहां पे लिख दें, अगर इस पार्थिनोजेनेसिस में क्या बना आपका, सिर्फ मेल्स बने, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अर्हिनोटॉकी। ठीक है, एग्जाम्पल इज योर हनी बी, ठीक है, वहां पर सिर्फ ड्रोन्स पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं, वर्कर नहीं बनती है। अगर बेटा इस पार्थिनोजेनेसिस से फीमेल बन रहे हैं जैसे लेसर्टा में होता है, दैट इज कॉल्ड एज थैलीटॉकी। अगर बेटा इस पार्थिनोजेनेसिस से दोनों बन सकते हैं, मान लो कभी मेल बन गया, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल बने, बोथ के लिए हम यूज करते हैं एम्फीटॉकी। एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी एफिड्स। क्या एग्जाम्पल रहेगी बेटा? एफिड्स। ओके, सो ये बात हो गई लिटल एक्सेप्शन टू द फर्टिलाइजेशन। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्टेप पे, विच इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जब मेल और फीमेल गैमेट जुड़ गए तो क्या बन गया बेटा? जायगोट। एंड जायगोट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशंस, ठीक है, जो दो जनरेशंस को आपस में जोड़ता है। सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर, इट इज ऑलवेज सिंगल सेल स्ट्रक्चर, एंड द नेचर इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड, क्योंकि यार एग था अपना हैप्लॉयड, मियोसाइट ने बनाया था मियोसिस से। स्पर्म भी क्या है? हैप्लॉयड। मियोसाइट ने बनाया स्पर्मेटोजेनेसिस से, दोनों जुड़ के बेटा क्या बन गए? हैप्लॉयड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज जायगोट। यस, हाँ जी, तो जायगोट बनने के बाद अब क्या करेगा? नाउ देयर इज गोइंग टू बी द ग्रोथ ऑफ जायगोट। यस, जायगोट आगे डिवाइड करेगा, एक सेल से बनेंगे दो सेल। यस, ये सिंगल सेल है, बने दो सेल, दो से बने बच्चे चार, चार से बने 16, 16 से बने बच्चे 32, एंड देन मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ सेल्स। ये जो पूरी ग्रोथ है फ्रॉम सिंगल सेल टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस इज द नेक्स्ट इवेंट विच इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड दिस इज द लास्ट प्रोसेस, बिल्कुल आखिर में हो रहा है। सेल डिविजन हो रही है, देख रहे हो, और सेल क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये सिंगल सेल, इसने पूरा यहाँ पर गुच्छा बना लिया, फिर बच्चे यहाँ पर गैस्ट्रेशन होगी, अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनेंगे ये सेल, कुछ सेल हार्ट बनाने में काम आएंगे, कुछ सेल किडनी, कुछ सेल लिवर, कुछ सेल इंटेस्टाइन। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिविजन माने नंबर इंक्रीज करना, डिफरेंशिएट माने स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक शेप अटेन कर लेना। यस, हाँ ये तो है यार, लाइक तो बनता है कि नहीं? यस, हाँ, तो फटाफट से सेशन को क्या कर दो? लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अभी आपके लिए आने वाले हैं कुछ सवाल, मुझे चेक करना है कितना समझ आया। बायोलॉजी एनिमल पार्ट ऑफ दिस इज डन, बट आई वांट टू चेक कि आपको कितना समझ आया। पूछ लूँ? जरा एनर्जी दिखा दो चैट सेक्शन में, कम ऑन एनर्जी दिखा दो। नहीं बेटा, ही इज नॉट फाइन, रुचि यादव आज नहीं है। जो जो बच्चे रेडी हैं प्रैक्टिस के लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो यार ड्यूरिंग क्लास होगी, एवरी डे होगी। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, टेलीग्राम पर मिलेंगे बेटा नोट्स। पूछ लूं? यस, पूरी एनर्जी के साथ बोल दो मैम को, सेशन को लाइक करके शेयर भी कर दो प्रैक्टिस स्टार्ट होने से पहले। हाँ चलिए, आ जाइए। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लास्ट प्रोसेस था बेटा, जायगोट से आपका एम्ब्रियो बनेगा। अब कई बारी ग्रोथ यू नो बॉडी की पूरी इनसाइड होती है, एंड देन वी गिव बर्थ टू यंग वन, सम टाइम वी ले एग्स एंड देन फर्दर ग्रोथ अकर्स इनसाइड द एग्स। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, कुछ ओवीपेरस होते हैं जो एग लेंगे, जैसे आपके ओवीपेरस में आप बर्ड्स ले लोगे, रेप्टाइल्स ले लोगे, और एग लेंगे
मैमल्स भी ले लोगे, दे आर ओविपेरस. देन आप ले जो द वन विच गिव बर्थ टू यंग वन लाइक मैमल्स एक्सेप्ट ऑर्निथोरिंकस एंड एकिडा. देन कुछ ओवोविविपेरस भी होते हैं जिसमें बेटा एग तो बनता है लेकिन बॉडी के अंदर ही हैच कर जाएगा और बर्थ यंग वन का हो जाएगा, जैसे स्कॉर्पियन और स्नेक्स, दे आर ओवोविविपेरस. तो ये आप एम्ब्रियोजेनेसिस में ही पढ़ते हो. यस, हाँ चलिए आ जाइए. ओके, कल ह्यूमन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे 6:30 पे. फर्स्ट पार्ट जस्ट टेस्टिस का स्ट्रक्चर करेंगे. टुमारो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी, जेनेटिक मेकअप और ऑल ऑफ द अबव. बताओ बताओ बताओ, फटाफट से आंसर दे दो. अब फास्ट फास्ट आंसर देंगे. दिस इज द टेस्ट, दिस इज योर टेस्ट गाइज. कम ऑन, गिव मी द राइट आंसर. मैं यहां पर चेक कर रही हूं आपके आंसर. हाँ जी, यस. किस पे डिपेंड करेगा ये? इट विल डिपेंड अपॉन कि कहाँ वो रह रहा है, अंदर उसके क्या है, जेनेटिक मेकअप क्या है. किस पे डिपेंड करेगा? सब पे डिपेंड करेगा यार, कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रही है. पानी में है तो बच्चे दे आर गोइंग टू हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लैंड पे है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो इट इज़ गोइंग टू डिपेंड अपॉन द हैबिटेट, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, अंदर के ऑर्गन्स किस टाइप के हैं वो भी डिटर्मिन करेगा, जेनेटिक मेकअप किस तरीके का है. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, है ना. सो डी जिस जिसने दिया है, मजे करो बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है, चैप्टर समझ आ रहा है. हाँ जी, नेक्स्ट सवाल. Select the correct sequence. This is important. This is beta important question. Let me see who can answer. Correct sequence batao. Gametogenesis, syngamy, zygote, embryogenesis. Gametogenesis, syngamy, embryo, zygote. Pehle zygote ban raha hai, fir embryo ban raha hai, fir gametes ban raha hai. Ya pehle syngamy, then gametogenesis, then zygote. Yes, come on. Come on, come on. Haanji, 2 ka. 2 point karke karo na. 2 point. What is the answer? Kya answer hoga 2 point ka? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, सबसे पहले क्या बनेंगे, गैमेट ही बनते हैं. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है ना, सबसे पहले प्री होता है, फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड देन इट इज फॉलोड बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो प्री में सबसे पहली चीज आती है गैमेट बनना, दैट इज गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, तो यार ये और ये तो आंसर हो ही नहीं सकते. तो गैमेटोजेनेसिस हुई, गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट ट्रांसफर हुआ जो सेकंड प्रोसेस है. गैमेट ट्रांसफर के बाद क्या हुई, सिनगैमी, दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. अब पहले क्या बनेगा, जायगोट या एम्ब्रियो? यस बच्चों, पहले क्या बनेगा, पहले तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनेगा ना जायगोट, फिर मल्टी सेल स्ट्रक्चर बनेगा एम्ब्रियो. सो द करेक्ट आंसर टू ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. यस, तो ये आप इवेंट्स अच्छे से याद रखिएगा. नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. कौन कौन से फेजेस आते हैं, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस, किस ऑर्डर में आएंगे, पहले बच्चे बनोगे या पहले बूढ़े बनोगे. किसी की भी लाइफ में, किसी की भी बेटा लाइफ में सबसे पहला फेज कौन सा होगा, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, चाइल्डहुड वाला फेज, दैट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल. ठीक है, जिसमें फिजिकल ग्रोथ हो रही है. देन धीरे धीरे सेक्सुअल ऑर्गन्स मैच्योर होंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, जब गैमेट्स बनेंगे, देन बेटा ओल्ड एज आ जाएगी, जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी खत्म है, अब और नए गैमेट नहीं बनेंगे, दैट इज बेटा कॉल्ड एज सेनेसेंस. क्या बोला जाता है बेटा, सेनेसेंस. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस. ओके, करेक्ट सीक्वेंस बेटा, ओके, जुवेनाइल, सेनेसेंस, रिप्रोडक्टिव फेज, देन जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस फेज, राइट, रिप्रोडक्टिव, जुवेनाइल एंड सेनेसेंस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस. ओके, कम ऑन गाइस, टेल मी, करेक्ट आंसर शुड बी बेटा 2 and 4. यस, डी वुड बी द राइट आंसर. बिल्कुल ठीक, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ये भी ट्रू है, पहले जुवेनाइल आया, फिर रिप्रोडक्शन हुई, फिर सेनेसेंस आए, फिर वेजिटेटिव ऑर्गन से रिप्रोडक्शन हुई, फिर सेनेसेंस फेज आया. बिल्कुल ठीक, करेक्ट. हाँ जी, नेक्स्ट सवाल. ओके, यस, ओके, मियोसिस बेटा डज नॉट टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टेक्स प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन. रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. ध्यान देना, ये अंतर है, एंड ऑल ऑफ द अबव. मियोसिस किस में होती है? हाँ जी बताइए, कम ऑन गाइस, टेल मी, मियोसिस, फिफ्थ का आंसर.
बाकी के जितने भी इसकी डीपीपी है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन स्पेशल क्लास बेटा. जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड एवरी डे हम यहाँ करेंगे, और इसकी डीपीपी, डिटेल डीपीपी, जिसमें कम से कम आपके पास 50-60 क्वेश्चंस होंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन माय स्पेशल क्लासेस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे. राइट, सो मियोसिस बेटा करेक्ट आंसर डज नॉट टेक प्लेस इन एसेक्सुअल. हाँ जी बिल्कुल, टेक प्लेस इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड में भी होती है, बिल्कुल, एंड डिप्लॉइड. ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर. सो ये सारी डीपीपी बेटा मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ स्पेशल क्लास में. स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए और नोट्स के लिए यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड ये कुछ बैचेस है प्लस पे हमारे स्टार्ट हो रहे हैं. आज हमने अमेजिंग संजीवनी बैच स्टार्ट किया है, एंड दिस संजीवनी बैच इज योर वन शॉट सोल्यूशन फॉर 2022. अगर आप चाहते हैं बिना स्पैमिंग के, प्रॉपर इंटरेक्शन के साथ, डाउट सॉल्विंग के साथ, क्योंकि यहाँ पर ना हर तीन क्लास के बाद एक डाउट सेक्शन होता है, देन एवरी डे आपको डीपीपी मिलती है. सो यस, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स जो कि आज से स्टार्ट हुआ है, अभी ज्यादा देर भी नहीं हुई है. अमेजिंग रिव्यूज है, आप किसी से भी पूछ लीजिए इसके बारे में. एंड बेटा अगर आप आज के दिन सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 मंथ्स का, देन यू गेट द ऑफर ऑफ 12+3 बाय अप्लाइंग दिस कोड विच इज कॉल्ड एज सीप लाइफ, ठीक है, विच इज गोइंग टू गिव यू 10% ऑफ, प्लस साथ ही में आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड. एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर मी, आप हर टीचर को देख पाओगे, हर टीचर से पढ़ पाओगे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ पाओगे. यस बेटा, एंड फॉर 2021 एज वेल आप लोग 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एंड बाय अप्लाइंग सीप लाइफ कोड आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा. दैट मीन्स जब तक नीट नहीं होता तब तक यू आर गोइंग टू गेट सपोर्ट. हाँ जी ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट वन. सो मंथन का टेस्ट आपको पता है सैटरडे को होता है, वो आप ज्वाइन कर लेना. दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर. एंड सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको पता चल गया है. अगर आप चाहते हो आपको एक कोच मिल जाए तो उसके लिए बेटा यू हैव टू रेफर टू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. 1 ईयर के लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है आइकॉनिक. सो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. कल हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कल बेटा हम बात करेंगे अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज गोइंग टू बी पेयर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस का स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, सारी इंपॉर्टेंट चीजें. टुमारो सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कल की क्लास बहुत अच्छे से सब लोग अटेंड करेंगे. राइट बच्चों, एंड हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर इट, एंड डाउनलोड PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. ओके बच्चों, टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन.